नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। चांद पर लैंडर से संपर्क नहीं हुआ तो ये होगा इसरो का अगला प्लान। मोटर व्हीकल एक्ट का नया नियम। आर्मी चीफ ने कहा सरकार से पीओके पर फैसला, सेना तैयार है। हरियाणा पुलिस से धाकड़गढ़ बबीता फोगाट का इस्तीफा, लड़ सकती है विधानसभा चुनाव। अब खबरें विस्तार से। चांद पर लैंडर से संपर्क नहीं हुआ तो ये होगा इसरो का अगला प्लान। इसरो ने भी इस बात पर विचार करना शुरू कर दिया है कि अगर लैंडर से संपर्क नहीं हुआ तो वे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के अपग्रेड वर्जन को चंद्रयान 3 में भेजेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट का नया नियम, अब लाइसेंस और आरसी में अपडेट करनी होगी ये जानकारी। एविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर नियमों में एक बड़ा बदलाव किया गया है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मोटर व्हीकल एक्ट के नए नियमों के लागू होने के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को लेकर नियम बदले गए हैं। आर्मी चीफ ने कहा सरकार से पीओके पर फैसला, सेना तैयार है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बौखलाए पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि अब भारत का ध्यान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर है। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पीओके को लेकर सरकार को निर्णय करना है, सेना हर हालात के लिए तैयार है। हरियाणा पुलिस से धाकड़गढ़ बबीता फोगाट का इस्तीफा, लड़ सकती है विधानसभा चुनाव। कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट बबीता फोगाट का हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर पद से इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। बता दें कि बबीता फोगाट ने 13 अगस्त को इस्तीफा देने के बारे में उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा था। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।